Hello guys and welcome to our channel Education Express, and today we are going to see CBSE Board Standard Seconds Science in Everyday Life's last chapter, that is 13th chapter, that is Light and Shadow. ये shadow क्या होता है ना वो हम लोग देखने वाले हैं. Shadow तो आपको पता ही होगा, but उसका scientific definition हम लोग देखेंगे आज इस chapter में, right? So let's begin. Light and Shadow. We need light to see things. मतलब क्या, हमें जो चीज़ें दिखनी है वो देखने के लिए क्या होता है, आइज तो होते ही अपने, लेकिन लाइट भी चाहिए. आइजों के फायदा नहीं है, लाइट भी होना चाहिए. We cannot see in the dark. डार्क रहेगा, बहुत अंधेरा रहेगा तो हमें दिखता है क्या? नहीं, थोड़ा थोड़ा सा ही दिखता है ना, क्योंकि थोड़ा सा लाइट होता है किधर से. तो जैसे कि मैंने अगर सपोज ये पूरा स्क्रीन ही ब्लैंक कर दिया मोबाइल का आपके, या फिर ये मेरे वीडियो का, चलो देखो ये ब्लैंक हो गया मेरा स्क्रीन, तो कुछ दिख रहा है आपको? नहीं, पूरा ब्लैक ब्लैक दिख रहा है, राइट? क्योंकि आपके स्क्रीन पे कोई लाइट ही नहीं आ रहा है, इमिट नहीं हो रहा है. लेकिन अगर आपका स्क्रीन लाइट एमिट करेगा, जैसे कि ये देखो अभी बल्ब दिखाई दे रहा है ना आपको, तो ये जो बल्ब दिख रहा है मतलब क्या हो रहा है, ये जो आपके छोटे छोटे एलईडी स्क्रीन के जो लाइट एमिटिंग डायोड्स होते हैं ना, वो लाइट एमिट करते हैं. तो ये जो लाइट एमिट किया है ना, उसकी वजह से ऐसा बल्ब का ये लाइट का आकार आपको दिख रहा है, राइट? शेप दिख रहा है, राइट? सो ये स्क्रीन एमिटिंग वाला लाइट है इसके लिए. तो चीज़ें देखने के लिए हमें क्या चाहिए फिर? वी नीड लाइट टू सी थिंग्स. अलग अलग चीज़ें, जैसे कि अगर रात के अंधेरे में जंगल में जा रहे हैं और स्टार्स भी नहीं है, मून भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो क्या दिखेगा? कुछ भी नहीं दिखेगा. तो हमें टॉर्च लगाना पड़ता है, राइट? टॉर्च लेके जाना पड़ेगा साथ में. तो टॉर्च भी लाइट है ना, तो लाइट आएगा तो ही हमें चीज़ें दिखेंगी, वरना नहीं दिखेंगी आँखों से भी, राइट? ठीक है. देन हैव यू एवर नोटिस्ड अ डार्क पैच ऑन द ग्राउंड? जैसे हम लोग खड़े रहते हैं और उसके बाद, या फिर फॉलो वॉक करते हैं, तभी ऐसा अगर सनी डे में सन होता है तो हम लोग जाते हैं ग्राउंड पे, तो डार्क पैच हमें दिखाई देता है क्या? जैसे कि ये देखो, ये लड़की जो है उसके आगे देखो, पीछे सन रहेगा इसके, और आगे ये जो डार्क पैच दिख रहा है ना, लंबा वाला डार्क वाला काला काला पैच दिख रहा है ग्राउंड पे. देखो ग्रीन जो ग्रास है ना, उसके ऊपर वो पैच क्या दिख रहा है, उसका ही शेप दिख रहा है, लेकिन लंबा दिख रहा है थोड़ा सा, उसकी लेंथ थोड़ी सी कम है और वो लंबा शेप जा रहा है. क्यों? क्योंकि सन उसके पीछे शेडो बना रहा है उसकी. सो दिस डार्क पैच इज कॉल्ड अ शेडो. शेडो बोलते हैं उसे, राइट? परछाई उसे बोलते हैं हिंदी में, लेकिन शेडो इंग्लिश में शेडो बोलते हैं, ठीक है? तो शैडो का डेफिनेशन क्या लिखेंगे हम एग्जाम में आया तो क्या लिखना है? व्हाट इज शैडो? अ शैडो इज अ डार्क पैच फॉर्मड व्हेन एन ऑब्जेक्ट डज नॉट लेट लाइट पास थ्रू इट. थोड़ा सा हार्ड है लेकिन मैं समझाता हूँ आपको, तो आपको हिंदी में समझेगा तो इंग्लिश में भी समझ में आएगा, ठीक है? अ शैडो इज अ डार्क पैच, ये तो समझ में आ गया, ये तो आपको रटना है. अ शैडो इज अ डार्क पैच, शैडो इज अ डार्क पैच, ठीक है? तो ये डार्क पैच तो दिख रहा है आपको. फॉर्मड व्हेन, कभी फॉर्म होता है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब क्या, कोई भी लड़की, ये लड़की जो है ये ऑब्जेक्ट हो सकती है. आपके पास अगर लाठी रहेगी, काठी रहेगी, स्टिक रहेगी, या फिर आपका स्केल रहेगा, तो भी वो ऑब्जेक्ट ही है, राइट? पेंसिल रहेगी तो वो पेंसिल, या फिर ऐसे लाठी आपने ग्राउंड पे रख दी और सन एक बाजू से अगर लाइट छोड़ रहा है, तो उस ऑब्जेक्ट में से लाइट नहीं जाएगा. व्हेन एन ऑब्जेक्ट डज नॉट लेट लाइट पास थ्रू इट, जो डार्क घना ऑब्जेक्ट रहता है, जैसे कि अगर सपोज कांच है या फिर ग्लास बोलते हैं हम उसे, तो वो ग्लास रखी है तो ग्लास का शैडो ज्यादा नहीं पड़ेगा, एकदम छोटा सा धीमा, तो आपको दिखाई भी नहीं देगा ग्लास का शैडो, राइट? बट अगर सपोज आपकी पेंसिल है या फिर काठी है, मतलब स्टिक है, तो उसका शैडो हमेशा दिखेगा आपको, क्योंकि उससे लाइट पास नहीं हो पाता, वो घना होता है बहुत, राइट? सो ये जो ऐसे होता है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट डज नॉट लेट लाइट पास थ्रू इट, तो ये डेफिनेशन है. शैडो इज अ डार्क पैच फॉर्मड व्हेन, कभी फॉर्म होता है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट डज नॉट लेट लाइट पास थ्रू इट, पास नहीं होने देता लाइट उसमें से, ठीक है? तो ये देखो, अ शैडो कैन बी फॉर्मड ऑन अ ग्राउंड, कहाँ पे हो सकता है? ग्राउंड पे भी फॉर्म हो सकता है, वॉल पे भी फॉल हो सकता है, मतलब अ वॉल, वॉल पे मतलब अपनी दीवार जो होती है, और एन एनी अदर ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट रहे ना उस पर भी शैडो पड़ सकता है. शैडो कैसे क्रिएट होगा, मतलब दूसरा ऑब्जेक्ट मतलब क्या हो गया, वॉल तो हो गया, लेकिन दूसरा ऑब्जेक्ट अगर सपोज हम लोग सोचे तो मेरा फेस भी है, फेस पे भी शैडो पड़ सकती है, मेरे पेट पे भी पड़ सकती है, कहीं पे भी पड़ सकती है, राइट? सो एनी अदर ऑब्जेक्ट मतलब अपना जो, अगर आपके घर की जो टाइल्स होती है, टाइल्स पे भी शैडो पड़ सकता है, या फिर अपने फैन का जो होता है ना, फैन के ऊपर लाइट रहेगा तो फैन का भी शैडो जो होता है वो दीवार पे पड़ता है, तो ऐसे अलग अलग जगह पे शैडोज गिर सकती है, राइट? ऐसा कि नहीं है कि सिर्फ ग्राउंड पे ही गिरेगी शैडो, राइट? फॉर्म होगी तो अलग अलग जगह पे फॉर्म हो सकती है, ठीक है?
then a shadow is always formed on the opposite side of the source of light. सोर्स ऑफ लाइट हम लोग देखने वाले हैं, अलग अलग कौन से हैं, लेकिन सोर्स ऑफ लाइट मतलब क्या, जहाँ से लाइट आती है उसे सोर्स कहते हैं. सोर्स ऑफ लाइट मतलब जिधर से लाइट आती है. तो लाइट आती है मतलब ये लड़की कहाँ पे है, सन में खड़ी है ना, धूप में खड़ी है, तो सन किधर रहेगा, इसके पीछे. करेक्ट, आपने परफेक्ट गेस किया कि इसके पीछे सन रहेगा तो ही आगे उसके शैडो गिरेगी. अगर आगे होता तो सन पीछे शैडो गिरती, राइट. सो ये अपोजिट साइड में शैडो गिरती है हमेशा. अ शैडो इज ऑलवेज फॉर्म्ड ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द सोर्स ऑफ लाइट. हाँ, ये याद रखना है. सोर्स मतलब जहां से लाइट आता है उसके अपोजिट साइड शैडो फॉर्म होती है, ठीक है. देन देखते हैं नेक्स्ट, हाउ लॉन्ग इज अ शैडो. शैडो कितनी लंबी हो सकती है, कितनी हो सकती है, बोलो. चलो, कितनी लंबी होती है, छोटी सी होती है, बड़ी होती है, कैसे होती है, वो हम लोग ऑब्जर्व करेंगे. चलो, गो आउट इन द सन मतलब जब ही सन रहेगा ना, अभी तो गर्मी के दिन शुरू हो गए तो सन होता ही है, तो गो आउट इन द सन ड्यूरिंग द मॉर्निंग. मॉर्निंग में जाओ, अभी कोरोना है लेकिन लॉकडाउन है, बाहर नहीं जाना है, लेकिन फिर भी मॉर्निंग में अगर सपोज आप घर के बाहर थोड़ा सा जा सकते हो तो वहाँ पे देखो आपका शैडो कैसे गिरेगा. सन अगर आपको हीट देता है या फिर सनलाइट आपके ऊपर गिरता है ना, तो लंबा शैडो, लॉन्ग शैडो दिखेगा, क्योंकि मॉर्निंग में सन जो रहता है अपने पीछे होता है या फिर मतलब क्रॉस एंगल में होता है, इसके लिए लॉन्ग शैडो गिरती है हमारी. मॉर्निंग में जो होती है वो लॉन्ग शैडो गिरती है. देन गो आउट एट नून. नून में मतलब दोपहर में, एग्जैक्ट जब भी सन अपने सर पे होता है. कहाँ पे होता है, नून में, सर पे होता है. तो सर पे जब भी होगा तो लुक एट योर शैडो, एकदम छोटी सी, तुसी सबसे शॉर्टेस्ट, छोटी सी गिरेगी, सबसे शॉर्टेस्ट होगी नून में. कभी शॉर्टेस्ट होती है नून में, परफेक्ट 12 या 12:30 बजे जब भी सन एग्जैक्ट सर पे रहता है ना, तो छोटी सी होती है. कभी कभार तो एकदम एग्जैक्ट सर पे अगर सन का डेज होता है, कभी कभार जून में या फिर ऐसे जो डे होता है ना एक पर्टिकुलर, तो उस डे पे 21 जून शायद, तो उस पे ना एग्जैक्ट सर पे होता है अपने सन, तो तभी तो शैडो भी नहीं दिखेगी. ऐसा भी हो सकता है कभी कभार, ये तो वो नीचे ही रहते हैं ना, तो शैडो भी नहीं दिखेगी अपनी, ऐसे भी होता है. तो इतनी छोटी सी होती है नून में शैडो. देन लुक एट योर शैडो इन द इवनिंग. इवनिंग में जो होता है तो इवनिंग में वापस सन अपने पीछे आ जाता है, तो लंबी शैडो, लॉन्ग शैडो वापस आती है. तो कैसे होता है, मॉर्निंग में सुबह शुरू होने के बाद क्या होता है, शैडो लंबी होती है, बाद में छोटी 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 थोड़ी छोटी हो जाती है, तो शॉर्ट शॉर्ट टेस्ट हो जाती है नून में, वापस वापस लंबी होनी शुरू हो जाती है और वापस लॉन्ग हो जाती है, ऐसे होता है. तो मतलब आर योर शैडोज ऑफ इक्वल लेंथ, मतलब शैडोज इक्वल लेंथ के होते हैं हमेशा, सेम ही होते हैं, सेम लेंथ के, मतलब लंबे होते हैं, छोटे होते हैं, ऐसा नहीं होता, एक ही लेंथ के होते हैं, तो ऐसा होता है नहीं ना, राइट. सो नो इज द आंसर. नो, द शैडोज हैव डिफरेंट लेंथ्स एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ द डे. दिन में अलग अलग टाइम पे, हर एक घंटे बाद देखते जाओगे ना, तो मॉर्निंग में एक घंटे बाद देखोगे तो छोटा होता जाएगा, छोटा होता जाएगा. नून में बराबर 12:30 बजे एकदम छोटा रहेगा, बाद में वापस 12:30 1 बजे के बाद वापस वो लंबा होना शुरू हो जाएगा और इवनिंग तक वापस लॉन्ग हो जाएगा, राइट. सो ऐसे होता है. तो अलग अलग लेंथ, अलग अलग टाइम पे अलग अलग लेंथ होती है शैडोज की, राइट. देन थर्ड एंड द लास्ट पॉइंट, व्हाट डू वी गेट लाइट फ्रॉम. लाइट कहाँ से मिलती है, द सन. सन तो सबसे बेस्ट, सबसे मोस्ट पावरफुल सोर्स ऑफ लाइट है. हमारा सन जो होता है ना, उसकी वजह से ही हमारी अर्थ जो होती है उसको लाइट मिलती है, और लाइट और क्या मिलता है, लाइट और हीट भी मिलती है इसकी वजह से, राइट. सो द अर्थ वुड हैव बीन टोटली डार्क अगर सन नहीं होता था, तो ये जो अर्थ है ना अपनी, तो अर्थ तो पूरी डार्क हो जाती थी. हमें स्कूल में जाना पड़ता ना, तो स्कूल दिन में नहीं जाते थे हम, कभी जाते थे रात को ही जाते थे स्कूल में, क्योंकि अंधेरा ही होता हमेशा, रात ही होती थी. सन नहीं होता तो कैसे होता था, सब अंधेरा अंधेरा, डार्क 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 डार्क, कुछ नहीं दिखता था. तो आपको बैटरी लेके जाना पड़ता स्कूल में, टॉर्च लेके जाना पड़ता था, और पढ़ाई भी कैसे होगी, स्कूल में लाइट वाइट लगा के ही पढ़ाई होती थी, राइट. लेकिन सन है, उसकी वजह से हमारी अर्थ जो है वो रोशनी है, अर्थ पे लाइट है बहुत सारा, एंड हीट भी है, राइट. ठीक है, देन देर आर मेनी अदर सोर्सेस ऑफ लाइट. बहुत सारे अलग अलग सोर्सेस ऑफ लाइट है इसमें, आपके बुक में थोड़े से बताया, वो मैं बताता हूँ. अ कैंडल है, तो कैंडल भी होती है, कैंडल का जो लाइट छोटा सा होता है वो भी लाइट ही है, मतलब उससे भी शैडो बनती है. कैंडल की भी खुद की शैडो नीचे दिखेगी आपको कैंडल जलाई तो, राइट. देन अ फ्लैश लाइट. फ्लैश लाइट मतलब जिसे बैटरी कहते हैं पुराने जमाने के लोग, हम लोग टॉर्च कहते हैं, तो फ्लैश लाइट है, टॉर्च है उसे कहते हैं, उससे भी शैडो हम लोग गिरा सकते हैं. देन लैम्प्स है, किसके, कार के लैम्प्स, कार लाइट जो होते हैं वो भी है. देन स्ट्रीट लाइट्स, जो रोड पे लगे होते हैं स्ट्रीट लाइट्स,
वो भी सोर्सेज ऑफ लाइट है. स्टार्स इन द स्काई, स्काई में स्टार्स, मून जो होता है आपके इंग्लिश में है ना, या पोएम जो है उसमें है पेल मून लाइट. तो सबसे पेल मतलब क्या, थोड़ा सा धीमा लाइट जो होता है ना उसे कहते हैं, फेड लाइट जो होता है उसे पेल लाइट कहते हैं. लेकिन लाइट है, सन का, स्टार्स का और मून का भी लाइट होता है. एंड अ बोन फायर, बोन फायर मतलब क्या, जो हम लोग आग जलाते हैं ना लकड़ियों का. अभी होली गई तो होली में हम लोगों ने क्या किया था, लकड़ी जला के लाइट, उसका लकड़ियों का जलने का भी लाइट अलग से होता है, राइट. सो ये जो बोन फायर है, बोन फायर ये अलग अलग तरह के सोर्सेस ऑफ लाइट्स होते हैं. इससे भी बहुत सारे अलग अलग सोर्सेस ऑफ लाइट्स रहेंगे जो आप मुझे कमेंट में डाल देना कि सर ये भी सोर्स ऑफ लाइट है, ये भी सोर्स ऑफ लाइट है, ये जो मैंने बताया उससे अलग जो आप ढूंढेंगे ना वो मुझे बताना, राइट. कमेंट में जाके बताना कि ये सोर्स ऑफ लाइट मैंने नया ढूंढा, राइट. सो आपका साइंटिस्ट जगाओ, आप में से जो रहेगा वो साइंटिस्ट जगा दो, आपके अंदर का जो रहेगा साइंटिस्ट उसको जगाओ, ठीक है. और आगे जगाने का भी अपने को, स्टूडेंट भी जगाने का है, क्योंकि आ रहा है एक्सरसाइजेस. एक्सरसाइजेस में देखो, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड. फर्स्ट वन देखते हैं, अ शैडो इज अ डैश 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 पैच. क्या पैच होता है, डार्क होता है, लाइट होता है, डार्क पैच होता है, राइट. हम लोगों ने देखा था अभी. देन अ शैडो इज द डैश 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 शॉर्टेस्ट लॉन्गेस्ट एट नून. नून मतलब दोपहर में, दोपहर में क्या होता है, सबसे छोटा होता है, शॉर्टेस्ट होता है, राइट. देन थर्ड वन, थिंग्स दैट गिव अस लाइट आर कॉल्ड, मतलब जिससे लाइट निकलती है वो थिंग्स को क्या कहते हैं, सोर्सेस या फोर्सेस, सोर्सेस ऑफ लाइट, सोर्स बोलते हैं ना, लाइट सोर्स के अपोजिट शेडो गिनती है, राइट. तो ये सोर्स बोलते हैं उसे. द डैश 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 सन फायर इज द मोस्ट पावरफुल सोर्स ऑफ लाइट. मोस्ट सबसे बड़ा पावरफुल सोर्स ऑफ लाइट क्या है, सन, राइट. सन है इसके लिए अपनी अर्थ है, नहीं तो नहीं होती थी. देन फिफ्थ वन, वी कैनॉट सी एनीथिंग इन द लिट या फिर डार्क रूम. कौन से रूम में, डार्क रूम में हम लोग नहीं देख पाएंगे, राइट. लिट मतलब क्या, जिसमें लाइट है, तो लाइट है तो देख पाएंगे, डार्क रूम में नहीं देख पाएंगे, ठीक है. देन सेकेंड वन, बी राइट टी फॉर ट्रू स्टेटमेंट एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट, ठीक है, ट्रू और फॉल्स लिखेंगे. फर्स्ट वन, शैडो इज द लॉन्गेस्ट इन द मॉर्निंग. लॉन्गेस्ट होती है, सबसे लंबी होती है मॉर्निंग में, यस, लॉन्गेस्ट भी होती है, ठीक है, तो ये ट्रू है. देन शैडो इज फॉर्म्ड व्हेन लाइट पासेस थ्रू एन ऑब्जेक्ट. शैडो इज फॉर्म्ड व्हेन लाइट पासेस थ्रू, मतलब क्या, लाइट जब भी पास होती है ऑब्जेक्ट में से तो शैडो गिरता है, नहीं ना, जब भी लाइट पास नहीं हो पाती, वो ऑब्जेक्ट पास करने नहीं देता, तो मतलब ये गलत है सेंटेंस, फॉल्स है. अ शैडो कैन बी फॉर्म्ड ऑन द वॉल. वॉल पे शैडो गिर सकती है, यस, ट्रू. देन अ शैडो इज फॉर्म्ड ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट सोर्स. लाइट सोर्स जिस साइड में होता है उसी साइड में शैडो गिरती है, नहीं, राइट. जो अपोजिट साइड में होती है तो ये फॉल्स है, सेम साइड में नहीं होती, अपोजिट साइड में शैडो होती है. वी डू नॉट नीड लाइट टू सी ऑब्जेक्ट्स. ऑब्जेक्ट्स देखने के लिए हमें लाइट नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, अरे लाइट तो चाहिए वरना कैसे दिखेगा, राइट. सो ये भी फॉल्स है. देन थर्ड वन, सी चूज द करेक्ट ऑप्शन. चलो करेक्ट ऑप्शन चूज करते हैं. फर्स्ट वन, विच ऑफ दीज इज नॉट अ सोर्स ऑफ लाइट. सोर्स ऑफ लाइट नहीं है, सन, सन तो है यार, उससे ही तो लाइट मिलती है, राइट. देन ट्यूब लाइट, ट्यूब लाइट से भी लाइट तो मिलती है. चेयर, चेयर से लाइट कहाँ से आई, चेयर में कहाँ से लाइट आई, तो चेयर ही नहीं है, राइट. सो दिस इज द परफेक्ट आंसर. आगे फायर है तो फायर से तो लाइट होती है, राइट. सो चेयर इज नॉट द सोर्स ऑफ लाइट. देन सेकेंड वन, विच ऑफ दीज इज नॉट ट्रू ऑफ द शैडो. शैडो का ये ट्रू नहीं है, ये ट्रू नहीं होता है, नॉट ट्रू मतलब शैडो के लिए ये ट्रू नहीं है. देखते हैं क्या है. शैडो इज अ डार्क पैच, यस, शैडो इज अ डार्क पैच. शैडो इज फॉर्म्ड ऑन द अपोजिट साइड ऑफ लाइट. लाइट के अपोजिट साइड में होता है फॉर्म, यस. लेंथ ऑफ द शैडो ड्यूरिंग ऑल टाइम्स ऑफ द डे इज इक्वल. सभी दिन के टाइम पे लेंथ ऑफ द शैडो इज इक्वल, नहीं, सुबह तो ज्यादा होता है और दोपहर को कम होता है, राइट. सो ये, दिस इज द आंसर, नॉट ट्रू. शैडो इज फॉर्म्ड व्हेन द लाइट कैनॉट पास थ्रू एन ऑब्जेक्ट. यस, ये डी वाला भी करेक्ट है, मतलब थर्ड वन, राइट. देन थर्ड देखते हैं, वेयर इज द शैडो ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड. कहाँ पे फॉर्म हो सकता है शैडो, राइट. ऑन द सेम साइड ऑफ द सोर्स, सेम साइड सोर्स के नहीं, ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द सोर्स, यस, ऑन द अपोजिट साइड. अंडर द ऑब्जेक्ट, अबव द ऑब्जेक्ट, ऐसा कुछ नहीं होता, ऑन द अपोजिट साइड, कहीं पे भी हो सकता है, ऑन द अपोजिट साइड. वो अंडर भी हो सकता है, अबव भी हो सकता है, तो परफेक्ट आंसर इज ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द सोर्स, राइट. देन फोर्थ वन, वॉट इज द कलर ऑफ द शैडो. शैडो का कलर क्या होता है, पता है, व्हाइट होता है,
वाइट नहीं होता, येल्लो होता है नहीं होता, ब्लैक होता है ब्लैक ही होता होगा, सेम एज द कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के कलर में नहीं होता मतलब ब्लैक है, ब्लैक ही होता है, परफेक्ट राइट। देन फिफ्थ वन, वेयर कैन अ शैडो नॉट फॉर्म, कहाँ पे शैडो नहीं गिरती है, ऑन द वॉल, वॉल दीवार पे तो गिरती है, ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे भी गिरती है, ऑन एन अदर ऑब्जेक्ट, अदर ऑब्जेक्ट पे भी गिरती है, इन द स्काई, स्काई में शैडो गिरती होगी, नहीं स्काई में तो होती ही नहीं है, स्काई तो ट्रांसपेरेंट है, उसमें शैडो कहाँ से गिरेगी राइट। सो दिस इज द करेक्ट आंसर, शैडो नॉट फॉर्म्ड इन द स्काई। देन दी गिव टू एग्जाम्पल्स फॉर द फॉलोइंग, चलो देखते हैं। नेचुरल सोर्सेज ऑफ लाइट, नेचुरल सोर्सेज मतलब क्या, नेचुरली जो थिंग्स नेचुरली है, जो मतलब गॉड ने बनाई है या नेचर ने बनाई है, ऐसी जो सोर्सेस होते हैं लाइट के, वो कौन से है नेचुरल सोर्सेस, सबसे बड़ा सन एंड दूसरा स्टार्स है, या फिर मून भी लिख सकते हो आप, वैसे भी होगा, सन मून स्टार्स ऐसे भी लिख सकते हो ठीक है। देन सेकेंड वन, आर्टिफिशियल सोर्सेस ऑफ लाइट, आर्टिफिशियल सोर्सेस ऑफ लाइट क्या होते हैं, जो हमने बनाए हैं, मैन मेड है, कौन से है, कैंडल होती है या फिर फ्लैश लाइट है, बहुत सारे जो हम लोगों ने देखे थे, स्ट्रीट लाइट है, कार लाइट है, बहुत सारे लिख सकते हो आप, आपको जो नया आता है वो भी लिख दो, नो प्रॉब्लम राइट। देन लास्ट वन इज होमवर्क, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ये पांच क्वेश्चन जो है, ये पांच क्वेश्चन के फटाफट आंसर लिखो, बुक में बुक ले लो, अभी खोलो, ये पॉज करो स्क्रीन और फटाफट आंसर लिख दो, जो सबसे पहला लिखेगा मुझे कमेंट में डाल दो, तो मैं देख लूंगा कि भाई किसने सबसे पहले आंसर दिए है राइट, हु हैव डन द होमवर्क ठीक है। तो ये होमवर्क करेंगे हम लोग और अच्छी तरह पढ़ेंगे, और अगर एग्जाम्स आ रहे हैं आपके तो बेस्ट ऑफ लक, एग्जाम्स हो गए तो रिजल्ट के लिए बेस्ट ऑफ लक राइट। सो स्टडी करते रहना, कोरोना है ये हमें पता है, लेकिन हमेशा स्टडी करते रहना है राइट। सो दिस कंप्लीट्स चैप्टर 13, लास्ट चैप्टर ऑफ द साइंस, सेकंड स्टैंडर्ड सीबीएसई बोर्ड के स्टडीज में से ये लास्ट चैप्टर था, चैप्टर 13। सो दैट इज कंप्लीटेड नाउ, एंड वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर करना चैनल, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और सब्सक्राइब किया है तो दूसरों को शेयर करना, और ये वीडियो को लाइक करना अच्छा लगा तो राइट। सो वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू एंड बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।